माई सर डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामीज़ इंग्लिश क्लासेस दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द प्रोफेसर द प्रोफेसर जैसे कि आप जानते हैं कि निसिम इजिकल की एक फेमस पोएम है द प्रोफेसर अब ये किस विषय के बारे में है किस बारे में है द प्रोफेसर वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों और सबसे पहले इसका लिटरेरी जैनर जानिए ये जो पोएम है द प्रोफेसर इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोल्योग क्या है ये दोस्तों ये ड्रामेटिक मोनोलियोग है अब ड्रामेटिक मॉनोल्यूक क्या होती है किसको हम ड्रामेटिक मॉनोल्यूक कहते हैं दोस्तों अगर जो हम ड्रामेटिक मॉनोल्युक की बात करें तो हमारे जहन में कुछ नाम आते हैं टी एस एलियट का रॉबर्ट ब्राउनिंग का और जॉन डन का इनके ड्रामेटिक मोनोल्यू के फेमस पॉइंट्स माने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोल्यूक में आप देखिए मोनो और लॉग जो ये ड्रामेटिक मॉनोल्यू की हम बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है मोनोलॉग शब्द मोनो प्लस लॉग अब मोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों मोनो स्टैंड फॉर अलॉन्ग मोनो का मतलब होता है अलोंग और लॉक का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन तो ये क्या हुआ फिर ड्रामेटिक मोनोल्योग ड्रामेटिक मोनोल्योग इज अ काइंड ऑफ पोएम इन विच द स्पीकर स्पीक्स एंड द लिसनर रिमेंस साइलेंट एक ऐसी पोएम जिसमें स्पीकर तो बोलता है लेकिन जो लिसनर है वो इंट्रैक्ट नहीं करता वो शांत रहता है दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोल्योग तो ये भी जो पोयम है दोस्तों द प्रोफेसर ये एक प्रोफेसर की पोयम है अब ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोफेसर कि प्रोफेसर जो है उनका नाम क्या है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रोफेसर सेठ क्या नाम है उनका नाम है प्रोफेसर सेठ दिस वन प्रोफेसर सेठ उनका नाम है तो ये दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं कि निसी मिजिकल की जो पोयम प्रौफिसर, ये जो पोएम है प्रोफेसर ये प्रोफेसर सेठ के बारे में है और प्रोफेसर सेठ जो हैं वो ऑब्वियसली क्या वर्क है उनका नाम से ही आप पता लगा रहे हैं कि वो प्रोफेसर थे और वो अपने एक स्टूडेंट से मिलते हैं और उनको पता नहीं था कि फर्स्ट कि वो स्टूडेंट मतलब उनका स्टूडेंट था लेकिन ही कम्स टू नो उनको पता चलता है कि वो जो व्यक्ति जो उनसे मिलने आया है वो कौन है वो उनका स्टूडेंट है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है और जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर सेट जो हैं वो अपने बारे में बोस्टिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं मतलब सेकी मारते हुए दिखाई पड़ते हैं और इतना ही नहीं कि वो अपने बारे में कहते हैं अपने सन्स और सन्स इन लॉ के बारे में वो बातें करते हैं और इस तरह से बहुत सारे एक ह्यूमरस वे में भी वो बातें करते हैं तो ह्यूमरस वे में वो बातें करते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो पोएम है अगर जो हम इसकी डिक्शन की बात करें तो बिल्कुल एक साधारण सी डिक्शन में पोएम है सिंपल डिक्शन है और इसमें जो एक जिसको हम बोलते हैं कि कॉमन टच ऑफ सोसाइटी और वी कैन से द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी उसको रिप्रेजेंट किया गया सोसाइटी में भी कैसी सोसाइटी जो फैमिली बैकग्राउंड होता है दोस्तों जो परिवार का एक बैकग्राउंड होता है जब हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो अपने परिवार के बारे में बताते हैं अपनी राजी खुशी के बारे में बताते हैं तो वही इन्फॉर्मल टच लिए हुए है ये पोएम जिसका नाम है द प्रोफेसर और ये जो प्रोफेसर सेठ हैं दोस्तों ये रिटायर्ड और फिर ये अपने जीवन के तौर तरीक़ों के बारे में बताएंगे, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में अपने स्टूडेंट को बताएंगे, और इसके साथ साथ वो इतना ही नहीं अपने स्टूडेंट से भी उनको जो है ना ये पूछते हैं कि वो किस तरह से रह रहा है उसका स्टाइल क्या है और जो स्टूडेंट है वो भी उसका भी हमें मालूम पता चलता है कि वो भी क्वाइट हेल्दी पर्सनैलिटी वाला है जो उनका स्टूडेंट है तो दोस्तों ये जो पोएम है इस पोयम में जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रामेटिक मोनोलोग है जो प्रोफेसर सेठ हैं वो अपने बारे में चीज़ों को बता रहे हैं और जो प्रोफेसर सेठ की एज है ये भी आपको ध्यान रखने की व्हाट इज़ द एज ऑफ प्रोफेसर सेठ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है प्रोफेसर सेठ की एज क्या है तो आपका आंसर होगा सिक्सटी नाइन ईयर्स ओल्ड वो सिक्सटी नाइन ईयर्स ओल्ड हैं एंड व्हाट ही होप्स वो आशा क्या करते हैं मतलब कितना और जीना चाहते हैं तो ही होप्स टू क्रॉस हंड्रेड ईयर्स वो सौ साल जीना चाहते हैं कुल मिलाकर वो कहते हैं कि मैं सेंचुरी मारना चाहता हूँ और वो यहाँ तक कि इस बात को भी एक मज़ाक के रूप में कहते हैं कि वो जो जब उनका स्टूडेंट था वो पहले बहुत पतला सा था पतला दुबला सा था लेकिन अब वो बहुत हेल्दी सा हो गया है और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि शायद अब तुम पर भार बढ़ गया ना तो इस वजह से तुम ऐसे हो गए हो तो दोस्तों ये जो पोएम है और इवन वो लास्ट में अपने घर के बारे में भी जो उनका बैकग्राउंड है उसके बारे में भी बताते हैं प्रोफेसर शेठ तो दोस्तों ये पोएम नेशे म्यूजिकल की स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन आई होप कि आपको बैकग्राउंड जो है पोएम का वो समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले ये देखिए आप लाइन रिमेंबर बी रिमेंबर मी आई एम प्रोफेसर शेठ रिमेंबर मी आई एम प्रोफेसर शेठ कि तुमने मुझे पहचाना मैं प्रोफेसर सेठ वंस आई थॉट यू जोग्राफी एक बार मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था मैंने तुम्हें जोग्राफी पढ़ाया था नाउ आई एम रिटायर्ड दाओ माई हेल्थ इज गुड और अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ लेकिन जो मेरी हेल्थ है वो सही है माई वाइफ डाइट सम ईयर्स बैक और यहाँ पर प्रोफेसर सेठ ये बताते हैं कि उनकी जो पत्नी थी वो कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो गई बाई गॉड्स क्रीस ओल्ड माई चिल्ड्रेन ऑल माई चिल्ड्रेन आर वेल सेटल्ड इन लाइफ लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल सही हैं वन इज़ सेल्स मैनेजर वन इज़ बैंक मैनेजर बोथ हैव कार्स अब दोस्तों ये जो बात वो बता रहे हैं कहते हैं कि एक तो सेल्स मैनेजर है एक बैंक मैनेजर है दोनों के पास गाड़ियाँ हैं तो उस समय में गाड़ियाँ होना एक अच्छी मेटलिस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता था तो कुल मिलाकर वो ये बताते हैं कि हमारी जो लाइफ है लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा है और प्रॉस्परस फैमिली है वो ये कहना चाहते हैं और फिर इसके बाद कहते हैं अदर्स ऑल्सो डूइंग वेल जो अन्य हैं वो भी काम अच्छा कर रहे हैं डाउ दाओ सो वेल ये तो भी इतने अच्छे नहीं हैं एवरी फैमिली मस्ट हैव ब्लैक शीप अब कहते हैं हर परिवार में कोई ना कोई बदनाम व्यक्ति तो होता ही है सरला एंड तरला आर मैरिड अब ये सरला तरला कौन है दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सरला तरला प्रोफेसर की डॉटर्स हैं इनकी दोनों की शादी हो चुकी हैं सरला की भी और तरला की भी दे आर हस्बेंड्स आर वेरी नाइस बॉयज और उनके हस्बैंड कैसे हैं वो बहुत नाइस nice हैं तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उनके हस्बैंड कैसे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेठ तो दे आर वेरी नाइस वो बहुत अच्छे हैं यू वॉन्ट बिलीव बट आई हैव बट आई हैव एलेवन ग्रैंड चिल्ड्रन तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मेरे ग्यारह पोते पोती हैं ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं कि मेरे ग्यारह पोते पोती हैं हाउ मेनी इशूज यू हैव थ्री तुम्हारे कितने इशू हैं दोस्तों ये यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना है दिमाग में बिठाना है अच्छी तरह से यहाँ पर ईशू का मतलब क्या है ईशू का आपने देखा होगा घर में जब बच्चे रहते हैं तो कहते हैं यार हमने तो ये जो है ना पता नहीं क्या बवाल पाल लिया तो वो जब बच्चे शैतानी करते हैं तो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप हम बच्चों को बोल देते हैं और बाद में बच्चों को प्यार भी बहुत करते हैं तो वही चीज है कि बच्चे जो है ना कहते हैं आप जब शैतानी करते हैं परेशान करते हैं तो ये कहते हैं कि तुमने हमारी जो है ना बिल्कुल द, मतलब नाक में दम कर रखा है मतलब इस तरह से हम उनको बोलते हैं कि बहुत सारा कि तुमने हमारा बिल्कुल सर में दर्द कर दिया है ये कर दिया वो कर दिया बहुत सारी बातें आती हैं तो वो जो इश्यूज़ हैं किसके लिए कहा गया आई होप कि अब याद हो जाएगा आपको ये कहा गया है चिल्ड्रन के लिए किसके लिए कहा गया दोस्तों चिल्ड्रन के लिए तो वो पूछता है कि हाउ मेनी इश्यूज यू हैव कितने तुम्हारे इश्यूज हैं इश्यूज का मतलब यहाँ पर बच्चों से है कितने इश्यूज हैं थ्री शायद तीन होंगे दैट इज़ गुड ठीक है ना ती, अच्छी बात है देर आर डेज ऑफ फैमिली प्लानिंग आजकल जो डेज़ हैं वो फैमिली प्लानिंग के चल रहे हैं आई एम नॉट अगेंस्ट मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ वी हैव टू चेंज विद टाइम्स और हमें समय के अनुरूप बदलना भी चाहिए होल वर्ल्ड इज चेंजिंग पूरा संसार बदल रहा है अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या प्रोफेसर सेठ जो हैं वो वक्त के हिसाब से नहीं बदलना चाहते या फिर उनको ये अच्छा नहीं लगता नो no, ऐसा कुछ नहीं है वो भी ये कहते हैं कि वी हैव टू चेंज विद द टाइम्स होल वर्ल्ड इज चेंजिंग इन इंडिया ऑल्सो वी आर कीपिंग अप इंडिया में भी ऐसे ही चल रहा है आर प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेसिंग हमारी जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ रही है आर वैल्यूज़ आर गोइंग हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो चल रही हैं न्यू वैल्यूज़ आर कमिंग और नई वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपने लाइन सुनी होगी दोस्तों ओल्ड ऑर्डर चेंज एंड येल्डिंग प्लेस टू न्यू ये वही बात है इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में इस बात को कह दिया है कि ओल्ड वैल्यूज़ आर गोइंग जो पुरानी चीजें हैं वो घट रही हैं एंड न्यू वैल्यूज आर कमिंग और नई चीज़ें आ रही हैं एवरी थिंग इज हैपनिंग विद लीप्स एंड बाउंडस आई एम गोइंग आउट रेयरली नाउ एंड देन ओनली दिस इज़ द प्राइस ऑफ ओल्ड एज और वो ये कहते हैं हर चीज़ में बदलाव हो रहा है नाउ देन ओनली दिस इज प्राइज ऑफ़ ओल्ड एज बट माई हेल्थ इज ओके और यही तो प्राइस है ओल्ड एज का लेकिन वो कहते हैं मेरी जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही है यूजल एक्स एंड पेंस हाँ थोड़ा सा दर्द रहता है चारों तरफ नो डायबिटीज़ नो ब्लड प्रेशर नो हार्ट अटैक मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है ना मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दोस्तों बिल्कुल टिपिकल प्रोफेसर की भाषा यहाँ पर जो मिस्टर सेठ हैं प्रोफेसर वो बोल रहे हैं जैसे कि आप कभी किसी प्रोफेसर के बारे में के पास आप जाएंगे अपने और काफ़ी वक्त बाद आप जाते हैं जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो तब भी आप उनसे बात करेंगे ना तो आपको वही महसूस होगा जो आज आपको इस पोएम को पढ़कर हो रहा होगा क्योंकि वो अपने बारे में यही बताएंगे भाई अपने राजी खुशी के बारे में अपने परिवार के बारे में अपनी हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातें और कुछ बातें जब आप उनके साथ उनके स्टूडेंट थे तो उस समय की भी बातें वो करेंगे तो यहाँ पर जो सेठ हैं सेठ हमें ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट्स इन यूथ ये किस वजह से है क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है कि जो सेठ है वो इन चीज़ों से फ्री कैसे हैं उनको डायबिटीज़ नहीं है उनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है क्यों मतलब क्यों नहीं है दिस इज़ बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट्स इन यूथ ये उनकी जो युवा अवस्था में अच्छी आदतें थी ना उसकी वजह से है क्योंकि वो एक्सरसाइज करते होंगे वो फिट रहते होंगे तो इस वजह से हाउ इज़ योर हेल्थ कीपिंग नाइसली आई एम फॉर दैट this year i am 61 and hope to score a century you were so thin like a stick now you are man of weight and consequence that is good job if you are coming again this side by chance visit please my humble residence also i am having just on opposite house back side और इसके साथ साथ दोस्तों वो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ ये कहते हैं कि अपनी एज के बारे में वो बताते हैं कि उनकी एज क्या है कि वो साफ साफ कहते हैं दिस ईयर आई एम सिक्सटी नाइन इस साल मैं सिक्सटी नाइन का हो जाऊंगा ठीक है ना तो मतलब सिक्सटी नाइन का हूँ मैं इस ईयर जो हूँ मैं करेंटली सिक्सटी नाइन का हूँ तो एज क्या है प्रोफेसर सेट की मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था सिक्सटी नाइन है और वो ये कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं क्या करूँगा मैं जो है जो सेंचुरी है उसको क्रॉस करूँगा मतलब कुल मिलाकर हंड्रेड का मैं हो जाऊंगा यू वर सो थिन लाइक स्टिक नाउ यू आर मैन ऑफ वेट एंड कॉन्सिक्वेंस तुम पहले बहुत पतले दुबले थे और किसकी तरह थे एक स्टिक की तरह थे नाउ यू आर अ मैन ऑफ वेट एंड कॉन्सिक्वेंस लेकिन अब तुम एक अच्छे व्यक्ति हो चुके हो मतलब अब तुम्हारा वेट भी बढ़ चुका है और इसके साथ साथ सोच समझ भी तुम्हारी बढ़ चुकी है दैट इज़ गुड जॉक ये एक अच्छा जॉक है इफ़ यू आर कमिंग अगेन दिस साइड बाई चांस अगर तुम दोबारा से कभी इस तरफ से होकर गुजरो विजिट प्लीज माई हम्बल रेजिडेंस ऑल्सो तो मेरे घर भी कभी आकर जाना तो ये अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं मेरे घर भी कभी होकर जाना आई एम लिविंग जस्ट एन अपोजिट हाउस बैक साइड और मैं जो अपोजिट घर है बैक साइड में वहाँ पर मैं रह रहा हूँ दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों ये थी हमारी पोएम द प्रोफेसर बाय निसीम और इसमें मैंने आपको बताया था निसीमिकल की इस पोएम को लेकर द प्रोफेसर को लेकर मैंने आपको इससे पहले ये चीज़ बताई थी कि ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मॉनिल्यूग है ये प्रोफेसर सेठ की लाइफ को रिप्रेजेंट करती है जो प्रोफेसर सेठ हुए हैं उनकी लाइफ को ये दर्शाती है और किस प्रकार से उनका इंट्रैक्शन होता है अपने स्टूडेंट के साथ उसको ये रिप्रेजेंट करती है पोएम जिसका नाम है द प्रोफेसर और इसके साथ साथ मैं आपको निसीम मिजिकल्स की लाइफ से जुड़े हुए पॉइंट्स ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ उनके वर्क्स के पॉइंट कराए जा चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको निसी मिजिकल के सारे पढ़ा चुका हूँ और इसके साथ साथ हम निसी मिजिकल की पोएम द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों उम्मीद है कि आपका जो ये निसी मिजिकल का जो चैप्टर है ये अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर मेरी अदर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट करना ना भूले थैंक यू वेरी मच योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी